मसीही बरादरी का एहतजाज काम कर गया। मजाहमत के बाद पीटीआई ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। बगैर इजाजत जलसे के इंतजाम पर पुलिस का एक्शन। उस्मान डार कारकुनों समेत मशीनरी के आगे लेट गए। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। उस्मान डार समेत गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पीटीआई ने वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में मैदान सजा लिया। पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। अपनी फितनाबाजी कहीं और जाकर करो। मरियम नवाज एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़ी। कहती हैं अकलियतों के हुकूक की रखवाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना तुम्हारा हक है, ना इसकी इजाजत देंगे। अगर आपने ये हथकंडे इस्तेमाल किए तो फिर हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, भैया जैम करना पड़ेगा। सो हमने पहले भी आपको ये कहा है और आप फिर कह रहे हैं कि होश के नाखून लें। और जो कल हुआ है सियालकोट में ये बिल्कुल नाजायज था। दोपहर तक सारी चीजें तय हो गई थी। इस ग्राउंड के बारे में भी जहाँ जलसा कर रहा था इमरान खान साहब ने, उसके बारे में पूरी एग्रीमेंट हो गई थी। कोई किसी किस्म की रुकावट के बारे में हमें नहीं कहा गया था। लेकिन उसके बाद रात के 3 बजे जिस तरह तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से नहते लोगों को मारा पीटा गया, ये शर्म वाला मुकाम है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इश्तियाल अंगेज काम किया। पार्टी क़यादत और कारकुनों से बुरा सलूक किया गया। इमरान खान का रद्द अमल। शफकत महमूद कहते हैं तशद्दुद के जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि सियालकोट वाकया हुकूमती घबराहट का नतीजा है। ये लोग लॉन्ग मार्च और करीब ले आए। ग्राउंड चर्च की है, पीटीआई ने इजाजत नहीं ली। किसी को जलसा करने से नहीं रोका। डीपीओ हसन पीटीआई सियालकोट की क्यादत को समझाते रहे। कहा चर्च से मुतसिल ग्राउंड में जलसे से इनकार मसीही बरादरी ने किया। आज जलसे की इजाजत दी तो कल को कोई भी कानून के खिलाफ बात करेगा। आपके घर कोई जबरदस्ती फंक्शन करे तो आपका रद्द अमल क्या होगा? वजीर आला पंजाब का चीनी की कीमत में कमी के लिए फौरी एक्शन। शरीफ फैमिली की शुगर मिल से चीनी 70 रुपए फी किलो देने का फैसला कर लिया। हमजा शहबाज की तमाम शुगर मिल्स को चीनी 70 रुपए किलो बेचने की तलकीन। शुगर मिल्स एसोसिएशन को हतमी फैसले के लिए 24 घंटे दे दिए। कहते हैं आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, फैसला कल होगा। सारी सब्सिडी खत्म हुई तो पेट्रोल बहुत महंगा होगा। ओग्रा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 से 85 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 29 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 73 रुपए सब्सिडी दे रही है। आपने अनफंडेड सब्सिडी पेट्रोल की दी, सस्ता किया गैर कानूनी तौर पे, ना ईसीसी का अप्रूवल ना काबीना का अप्रूवल। जब आपको पता चल गया कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने वाली है तो बारूदी सुरंगें मईशत की जो आप बिछा कर गए, आज पाकिस्तान की आवाम को उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोएलिशन गवर्नमेंट बचाने की कोशिश कर रही है। इसमें ना कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये खूनी मार्च करना कोई जमहूरी हक नहीं है। गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, आपको कौन आने से रोक रहा है? ये वो हेलीकॉप्टर अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं किस हैसियत से? आपके पास कोई सरकारी ओहदा है? इमरान खान ने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी। शिकस्त देकर मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। बोली खूनी मार्च करना जमहूरी हक नहीं। तहरीक इंसाफ को किसी ने जलसा करने से नहीं रोका। इमरान खान किस हैसियत से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे? मरियम औरंगजेब ने जलसे में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की तस्वीर दिखा दी। इमरान खान का एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। इमरान खान इस्लामाबाद से मर्दान जलसे के लिए हेलीकॉप्टर पर गए। पीटीआई चेयरमैन पर पहले भी केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब में केस है। इमरान खान ने मुल्क मईशत को तबाही से दो चार किया। अवाम को हर सूरत में रिलीफ देना होगा। अवाम के मसाइल का हल उसी वक्त मुमकिन है जब आम आदमी से राबता मजबूत होगा। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के वफाकी वुज़रा के इजलास में गुफ्तगू। वफाकी वुज़रा की अपनी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सीएनजी सारफीन के लिए बुरी खबर। जी की कीमत बढ़ने के बाद सीएनजी महंगी। फी किलो सीएनजी 70 रुपए इजाफे से 300 रुपए तक पहुंच गई। सीएनजी डीलर्स चेयरमैन अब्दुल समी खान फट पड़े। कहते हैं सीएनजी सेक्टर को खत्म किया जा रहा है।
सूरज सवा नीजे पर आ गया, आसमान से आग बरसने लगी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के लपेट में आ गए। जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री पर पहुंच गया। डीजे खान मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 डिग्री, लाहौर में 46, कराची इस्लामाबाद पेशावर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर मई के आखिर तक रह सकती है। मुस्लिम लीग नून कल गुजरात में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कोटला में जलसे के इंतजाम आखिरी मराहल में दाखिल। जलसे से मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। FIA वकील ने केस की तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात ने भी ट्विटर अकाउंट बना लिया। पैगाम में कहा, आज से पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं था, सियासत का तकाजा था कि मैं खुद लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाऊं। वजीर इतलात सिंध शर्जील मेमन का रेड लाइन प्रोजेक्ट का दौरा। रूट पर अंडर पासिस, फ्लाईओवर्स और यू टर्न की जगहों का मुआयना किया। एक हफ्ते में तमाम यूटिलिटी की मुंतकली का काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, काम के दौरान ट्रैफिक रवानी में कोई खलल ना आए, शहरियों की नकलो हमल मुतासर ना हो। मुतहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान सपुर्दे खाक। अमारात में 40 रोजा सोग, 3 दिन की तातील। शेख खलीफा बिन जैद अल नहान के इंतकाल पर पाकिस्तान में 3 रोजा सोग। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज दुबई रवाना होंगे, शेख खलीफा बिन जैद अल नहान के इंतकाल पर ताजियत करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE के तीसरे सदर मुंतखब। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2004 से अबूधाबी के वली अहद थे, मुसल्ला फाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर भी रह चुके हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क का 130 रुकनी वफ्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद। फजर और जहर की नमाजें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। जन्नतुल बकी में भी हाजिरी, नवाफिल अदा किए। वफ्त में तजियाकार सुहेल बड़ाइच, सलीम बुखारी, मियाँ ताहिर, नवी चौधरी, नसीम जहरा, आमिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, खुरम कलीम, जहीर अहमद कालू, खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान और दीगर शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के गुज़श्ता 6 माह के अखराजात सामने आ गए। रमीज राजा ने 6 माह में 39,17,000 रुपए की रकम खर्च की। व्हीकल अलाउंस की मद में 5,77,000 रुपए लिए। मोबाइल, सिक्योरिटी, मेडिकल की मद में 4,15,000 रुपए की रकम खर्च की। जश्न नीलम फेस्टिवल की 3 रोजा तकरीबात, आखिरी रोज परचम कुशाई पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। जंगलात और माहौलियात पर सेमिनार्स का इनेकाद, मकामी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ खेल भी पेश। फनकारों ने तकरीब का मजा दोबारा कर दिया। मुमताज फनकार फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम की पहली बरसी। कलियां, सरगम सरगम और डार्क टाइम फारूक कैसर के मशहूर TV शो थे।